नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 1 मई है। आज से वैक्सीनेशन 18 प्लस को देने की बात कही गई थी, लेकिन आप कल्पना करेंगे किसी भी प्राइवेट, अब 18 प्लस को प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार कंपनियां जो है वो केंद्र सरकार को 150 रुपए में वैक्सीन बेच रही है, राज्यों को 400 से 600 में वैक्सीन मिल रहे हैं। मतलब कि केंद्र सरकार, मोदी की सरकार पैसे कमा रही है। आज तक सुना था कोई भी वैक्सीन बेचा जा रहा हो, लेकिन कोरोना में वैक्सीन बेचा जा रहा है, मतलब यहां भी बिजनेस किया जा रहा है बीजेपी सरकार के तहत। 20,000 करोड़ में सेंट्रल विस्टा बन रहा है, लेकिन आपको वैक्सीन नहीं मिलेगा। 15 दिन हो गए हैं, दिल्ली जैसे शहर में, देश की राजधानी में ऑक्सीजन की समस्या दूर नहीं की गई है, लेकिन ये वैक्सीन बेच के पैसे कमाएंगे। मैं अभी वैक्सीनेशन के लिए देख रहा था फॉर्म अप्लाई, जिन जिन अपोलो, बीएल कपूर, मैक्स, ये 3 बड़े अस्पताल हैं जिनको वैक्सीन मिला है, लेकिन किसी के पास 3 महीने तक कोई शेड्यूल डेज नहीं है, आप वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते। मैं दिल्ली की बात बता रहा हूं, दिल्ली सरकार के अस्पताल में जगह है, वैक्सीनेशन हो सकता है, लेकिन वहां 45 प्लस के लिए उपलब्ध है, उससे कम उम्र वालों के लिए नहीं है। 18 प्लस के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उसमें जगह नहीं है। और कैसे बेचा जा रहा है आप इस बात का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो समझिए कि ये सरकार आज भी आपके साथ बिजनेस कर रही है। तो बिजनेस हो रहा है कोरोना के नाम पर, लोग मरने को मजबूर हैं, और ये सरकार वैक्सीन को, सुप्रीम कोर्ट बोला क्या निजी निर्माता तय करेंगे कि किसकी किसको कितने में वैक्सीन मिलेगी। एक केंद्र निर्माता केंद्र को 150 रुपए में वैक्सीन दे रहा है, राज्यों को 300-400 रुपए में। थोक में अंतर होगा 40,000 करोड़ रुपए, इतनी कीमत क्यों दे? क्या केंद्र सारी वैक्सीन खरीद कर राज्यों को क्यों नहीं देती? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वैक्सीन को लेकर। आप समझ सकते हैं कि वैक्सीन को लेकर किस तरह की चीजें चल रही है। आप बिजनेसमैन है, आपके सामने माल के खरीदार है, सोचिए बिजनेसमैन, आप बिजनेसमैन है, आपके सामने आपके माल के 2 खरीदार है, एक 300 में दे रहा है, दूसरा 600 में। आप अगर बिजनेसमैन है तो आप दूसरे खरीदार को माल बेचेंगे। अब इसकी वजह से 5-10 लाख लोग मर भी गए तो क्या है? ये है मोदी सरकार की वैक्सीन पॉलिसी, राष्ट्र हित में आपको मरना पड़ेगा। मतलब राष्ट्र जो सरकार है वो वैक्सीन खरीद के आपको नहीं लगाने वाली है। आप सोचिए, मतलब सरकारी अस्पताल आपको वैक्सीन भी नहीं दे सकती है, कोई प्लानिंग नहीं है, आपको मौत के मुंह में धकेल दिया गया है। और बात अब सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ज्यादा तेजी से तैर रही है, बहुत ज्यादा तैर रही है, कि खबर की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सबसे ज्यादा, वो घर घर जाकर मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे, क्या उसमें से किसी को आपने घर घर जाकर या अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर बांटते हुए देखा है? विनोद शर्मा है जो सीनियर पत्रकार है, वो सवाल पूछ रहे हैं, और लोग एक एक इंजेक्शन, एक एक ऑक्सीजन एवं दवाई के अभाव में मर रहे हैं, पूरी मानवता पर खतरा मंडरा रहा है। इस सबके बीच कुछ लोग काला बाजारी, मुनाफाखोरी कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये लोग? इनकी कैटेगरी, टाइटल पहचानी है, ये वही लोग हैं, मीडिया में वही चापलूस हैं, बिजनेस यही लोग कर रहे हैं। तो पूरे देश को इन्होंने बंधक बना दिया है। आप किस तरह के हालात हैं आप देख सकते हैं। अभी तो सेकेंड वे आई है, थर्ड वे भी आना बाकी। ऑक्सीजन, मेडिसिन, वैक्सीन तो होगी, नर्सों, डॉक्टर और बेड वेंटिलेटर आदि भी चाहिए, मेडिकल स्टाफ भी चाहिए, जय भीम जय बसपा। तो ये भी निकली कोरोना का गजब ढा रहा है। तो लगातार कोरोना को लेकर देखिए, बनारस उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल, टीका अभियान आरम्भ करना था, विधाता घंटों लेट पहुंचे, धूप में तप पर इंतजार कर रहे गुलामों ने सवाल पूछ लिया तो विधाता को गुस्सा बेकाबू हो गया। ये देखिए, ये विधायक मंत्री जी जो है, बना यूपी में बहुत बुरी स्थिति है, ये मोन्टाज में आप जरूर वीडियो देखिए, और लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है, और लोगों के मरने की अंबार लगी हुई है। लेकिन वही सोशल मीडिया पर 2 खबरें हैं, पत्नी के गहने बेचकर ऑक्सीजन से 27 लोगों की जान बचाने वाले विक्की के खिलाफ यूपी पुलिस ने FIR की है। एक शख्स पर FIR हुई है जो जान बचा रहा था, और मुकेश अंबानी फैमिली सहित फरार हो गए हैं विदेश।
ये लगातार जो है वो सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है और ये सही है गलत है मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन अगर ये गलत है तो इसलिए खबरें रुकनी चाहिए। सोशल मीडिया पर ये लगातार खबर चल रही है और बात रही है रोहित सरदाना की, तो रोहित सरदाना ने सिर्फ नफरत के बीज बोए थे और इसलिए इस देश का तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो उसके खिलाफ हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।